हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम जीरकपुर से। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूं कि अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम होती है या किडनी प्रॉब्लम के चांसेस होते हैं तो आपको क्या क्या टेस्ट करवाए जाते हैं। पहला है किडनी की शेप देखने के लिए, साइज़ देखने के लिए, अगर उसमें कोई पथरी है, सिस्ट है, कोई गांठ है तो उसके लिए करवाया जाता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पूरे पेट का भी करवाते हैं या फिर आपको अल्ट्रासाउंड KUB कहते हैं डॉक्टर, किडनी यूरिनरी ब्लैडर, या फिर एक्सरे KUB कहा जाता है कई बार, कि स्टोन की पोजीशन देखने के लिए कि स्टोन कहाँ पर है। कई बार पेशाब की नली में होता है स्टोन, तो उसके लिए एक्सरे KUB भी बोला जाता है। नॉर्मली जो टेस्ट करवाया जाता है KFT करवाया जाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोला जाता है RFT। इससे मोस्टली तीन आते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड। जो है किडनी का, जैसे मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में पता नहीं चलती है, स्टार्टिंग में जो रेशोज आती है यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड की, मोस्टली नॉर्मली आती है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो अगर आपको जल्दी से पता करना है कि किडनी में क्या इशू है तो उसके लिए करवाया जाता है GFR टेस्ट। GFR में आपका आता है किडनी आपकी एक मिनट में कितना फिल्टर कर रही है। नॉर्मली जैसे 90 ml करती हैं, तो ये ब्लड सैंपल से होता है, इसमें आता है कि आपकी किडनी एट प्रेजेंट कितना फिल्टर कर रही है, तो उससे पता चल जाता है कि कितना परसेंट काम कर रही है किडनी आपकी। और जो होता है पेशाब का टेस्ट, किडनी का कोई भी इशू होता है सबसे पहले पेशाब से ही पता चलता है, यूरिन से। तो इसमें सबसे पहले एक तो यूरिन रूटीन करवाते हैं, जिसमें नॉर्मली आपके पेशाब में कोई पस सेल आ रहा है, कोई रेड ब्लड सेल मतलब ब्लड आता है तो उसमें आ जाता है, प्रोटीन निकल रहा है कि नहीं, शुगर आती है, और काफ़ी सारे टेस्ट है जो सिंपल रूटीन में करवाए जाते हैं। अगर उसमें आपका प्रोटीन पॉजिटिव आता है, बैक्टीरिया पॉजिटिव आता है, अगर बैक्टीरिया पॉजिटिव आता है किसी तरह का कोई इन्फेक्शन लगता है तो आपका यूरिन कल्चर करवाते हैं। अगर प्रोटीन आता है तो 24 घंटे का प्रोटीन टेस्ट किया जाता है, 24 hour यूरिन प्रोटीन, या फिर कुछ डॉक्टर्स माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया भी करवाते हैं पेशाब में। इससे अर्ली स्टेज में पता चल जाता है कि आपके पेशाब में प्रोटीन आ रहा है या नहीं। यूरिन टेस्ट के साथ साथ में कुछ डॉक्टर्स ब्लड में ही टेस्ट करवाते हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, क्योंकि जिसको किडनी की प्रॉब्लम होती है उसमें एनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी, या फिर किडनी में इन्फेक्शन के लिए भी जो है CBC करवाया जाता है। इसमें पता चल जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है या आपकी ब्लड में इन्फेक्शन है या नहीं। साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट भी करवाया जाता है, क्योंकि जो सोडियम है, वाटर का लेवल है, वो किडनी नॉर्मलाइज करती है बॉडी में, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम करवाया जाता है। और कुछ डॉक्टर विटामिन डी भी करवाते हैं, क्योंकि विटामिन डी, कैल्शियम कम हो जाता है किडनी पेशेंट्स में। LFT इसलिए करवाया जाता है क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, क्योंकि किडनी को भी काम करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, अगर वो न्यूट्रिशन पीछे से नहीं मिलेगा तो इसलिए LFT लिपिड प्रोफाइल भी साथ में करवाते हैं कुछ डॉक्टर। अगर इन टेस्ट में भी डाउट रहता है डॉक्टर को, जैसे कोई कैंसर के चांसेस होते हैं, गांठ के चांसेस होते हैं, तो डॉक्टर आपको CT स्कैन एडवाइस करते हैं। या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो है पेशाब खुल के नहीं आ रहा होता, स्टोन भी नहीं होता, सिस्ट भी नहीं होती, कोई गांठ भी नहीं होती, तो कई बार क्या होता है पेशाब की नली का जो रास्ता है वो टाइट हो जाता है, तो उसके लिए कुछ डॉक्टर IVP करवाते हैं, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। इसमें एक डाई जो कलर जैसा होता है आयोडीन, उसमें आपके जो है ब्लड वेसल में दिया जाता है उसका इंजेक्शन, फिर जहाँ जहाँ वो जाता है उसको एक्सरे जैसे फिल्म होती है उसमें देख लिया जाता है, उससे पता चल जाता है कि आपकी पेशाब की नली कहाँ से टाइट है और कितनी टाइट है। इसके लिए जैसे अगर पेशाब की थैली में कई बार कैंसर होता है, गांठ होती है, उसके लिए कुछ जो डॉक्टर्स हैं सिस्टोग्राफी भी करते हैं, सिस्टोस्कोपी। तो सिस्टोस्कोपी या यूरिथ्रोस्कोपी से भी गांठ को देखा जाता है पेशाब की थैली में, अगर कोई गांठ है उसमें एक पतली पाइप जो रहती है वो आपके नीचे से पेशाब की नली से डाली जाती है जो ऊपर पेशाब की थैली तक जाती है, तो उसके थ्रू जो है पेशाब की थैली में कोई गांठ होती है या रास्ते में कोई ब्लॉकेज होती है तो उसको देखा जाता है। और फिर एक टेस्ट आता है रीनल स्केटोग्राफी, इसमें भी आपका जो है किडनी की कंडीशंस को देखा जाता है दोनों किडनीज में। इसमें राइट किडनी आपका कितना काम कर रही है, लेफ्ट किडनी कितना काम कर रही है, उसकी डिटेल आती है। ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनको जैसे कि IVP करते हैं, उसमें जो डाई डालते हैं उससे कोई एलर्जी हो, कोई आयोडीन से एलर्जी हो, उन पेशेंट्स में वो टेस्ट ना करवा पाए तो उसके लिए फिर रीनल स्केटोग्राफी बोला जाता है करवाने को।